इनका चेहरा देखो कैसा बन रखा है, पूरे लाल टमाटर हो रखे हैं भाई लोग। अभी हम जा रहे हैं अपने बोट हाउस में। जो हमने दो दिन होटल बुक करा था उसके मुकाबले ये 100 गुना बहुत बढ़िया है ना। रश तो बहुत है भाई, यहाँ पे बहुत रश होता है। टाइम स्पेंड करना बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ पे है ना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हमने इसी लोकेशन पे व्लॉग को एंड करा था, तो इस व्लॉग को हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। एंड अभी हम जा रहे हैं बोट हाउस की तरफ, को चलता हूँ, पहले डिनर करते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। बाय बाय। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं शालीमार गार्डन में, बट इसके अंदर नहीं जाएंगे बिकॉज दो रीज़न है। एक तो बहुत अंधेरा हो चुका है और दूसरा रीज़न है कि सेम गार्डन जैसे या कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो चलते हैं अब कुछ डिनर विनर करने। रश तो बहुत है भाई यहाँ पे, बहुत रश होता है। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं सुबह वाले ढाबे पे ही खाना खाने के लिए। बहुत मज़ा आया। अब इसके बाद जाएंगे बोट हाउस और उससे पहले अपन यहाँ पे खा लेते हैं खाना। आज डिनर में है कढ़ाई पनीर के साथ रोटी। यहाँ पे हिंदू ढाबे ही नहीं मिलते हर जल्दी, तो यहाँ पे अभी एक ही ढाबा मिला मैं आसपास, जिसमें हम खा रहे हैं कढ़ाई पनीर के साथ रोटी। कढ़ाई पनीर आ गया, अभी रोटी नहीं है। क्या पनीर बटर मसाला। हाँ, तो हम खा रहे हैं पनीर बटर मसाला और उसके साथ रोटी। जय माता दी। सो गाइज, खाना हो गया है, अब चलते हैं अपने बोट हाउस की तरफ। सो गाइज, अभी हम बैठ चुके हैं शिकारा के ऊपर और इनका चेहरा देखो कैसा बन रखा है, पूरे लाल टमाटर हो रखे हैं भाई लोग। फ़ोन की फ्लैश से काम चलाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत अंधेरा है। अभी हम जा रहे हैं अपने बोट हाउस में। शूज उतार के जाने। सो गाइज, ये है शिकारा, एंटर करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे डाइनिंग टेबल, देन उसके बाद फर्स्ट रूम, देन उसके बाद ये छोटी सी किचन आ जाती है यहाँ पे, ये सेकंड रूम, ये फटिया है। सो गाइज, फाइनली हम आ चुके हैं अपने शिकारा बोट हाउस में। अभी तो बाहर का कुछ व्यू नहीं दिखेगा, तो इसलिए आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। लाइटिंग बहुत मस्त दी है। जो हमने दो दिन होटल बुक करा था उसके मुकाबले ये 100 गुना बहुत बढ़िया है ना। तो अब आपको मैं आपको रूम टूर देता हूँ। पहले तो हमारा ये रूम है, एक बेड ये है एंड फैन लगा हुआ है जिसको अभी चलाएंगे नहीं। हीटर है हमारे यहाँ पे, पता नहीं दिख नहीं रहा, उन्होंने बोला हीटर है। और बाकी ये एक मिरर है, ये हमने अपने बैग्स रख दिए हैं। और इधर वाली साइड लगे हैं इसके चार्जिंग पॉइंट्स। उसके अलावा इधर खिड़की है एक एंड इधर वाली साइड बाहर का व्यू रात को थोड़ा बहुत दिखेगा, बट ट्रस्ट मी दिन में इसका व्यू एकदम जबरदस्त होगा। देन उसके बाद आपको दिखाता हूँ वॉशरूम। ये है इसका वॉशरूम। ओ, बाथटब भी है भाई, मैं तो सुबह बाथटब में नहा के जाऊँगा। कल सुबह इसी में नहाएंगे हम बाथटब में भाई, कल बोल दे 12 बजे के बाद जाएंगे हम। सो गाइस, ये है हमारा बोट हाउस, बाकी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये एक्चुअली बोट हाउस में एक रूम है, हाउस बहुत लंबा है, मैं आपको बाकी के रूम तो नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें लोग रुके हुए हैं, बट बाकी दिखाता हूँ एक बारी। तो यार, हमारा बोट हाउस में लास्ट रूम है। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है यहाँ पे। ये पूरा एक साइड एक कॉरिडोर बना रखा है, ये इधर वाली साइड ये रूम बन रखा है एक अलग से, ये सेकेंड रूम है। देन उसके बाद ये आ जाती है छोटी सी किचन, जहाँ पे कुछ खाने पीने का बनाना हो बनाते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है, ऊपर का व्यू आई थिंक सो, पता नहीं क्या है ऊपर, वो सुबह देख लेंगे, पूछ लेंगे उनसे। एक रूम ये है इसके बाद, देन उसके बाद ये डाइनिंग हॉल आ जहाँ पे एक हॉल आ जाता है, जहाँ पे डाइनिंग रूम बना हुआ है पूरा। यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी, यहाँ लंच वंच जो भी करना कर सकते हो। बहुत मस्त व्यू है यार। और यहाँ पे एक शीशा लगा है,
देन उसके बाद बाहर का व्यू कुछ इस तरह है रात को, यहाँ पे बैठ के दिन में आराम से टाइम पास बढ़िया हो जाता है यहाँ पे। एंड ये दूसरी शिकार ऐसे करके आप सामने बोस आउट बहुत सारे हैं, एक शिकारा छोटी सी ये जा रही है जो यहाँ पे लोकल लोग रहते हैं वहाँ पे दिखेगा नहीं अंधेरे में। सो ये था हमारा बोट हाउस का टूर। बाकी यार होटल के मुकाबले बहुत बढ़िया है 13,000 में, ठीक है। ये वाला हमें सूट कर गया है ना, नहीं बसती कोई नहीं, वो चला कर देख लेते हैं। तो एक चार्जिंग पॉइंट चल नहीं रहा, 10 में से 9 नंबर हो गए। सामान वन सेट करते हैं, गोप्रो में से सारा डाटा निकाल के लैपटॉप में डालते हैं। एंड आज बहुत कुछ था देखने को, गुलमर्ग देखा सुबह हमने, देन उसके बाद हम दो तीन पार्क गए जिसमें कुछ मज़ा नहीं आया। उसके बाद अभी डिनर करा एंड उसके बाद अभी हम आ गए अपने बोट हाउस में। एंड जो आज हमने रील्स वगैरह वहाँ पे फोटोज वगैरह खींची वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे दिखेंगे, GauravSethi2899 GauravSethi ऑफिशियल चैनल पे। एंड स्नैपचैट पे भी आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो GauravSethi7711। बाकी बताओ आगे का व्लॉग कहाँ के देखने चाहते हो। इसके बाद हम कल का जो व्लॉग होने वाला है वो यहाँ से जम्मू का वापसी का होने वाला है, उसमें कुछ खास व्लॉग नहीं होगा बट उसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी जो कि आपको यहाँ पे आने के लिए हेल्प कर सकती है, जैसे कि हमारे साथ इतने सारे स्कैम हुए वो स्कैम से बचा सकती है, हमारा लैपटॉप और है ना गाड़ी में ही रह गया सो डाटा ट्रांसफर नहीं होगा, कल का व्लॉग वैसे शूट हो जाएगा इसमें। The next morning. So hello guys, good morning. What's up? This is GauravSethi. अभी सो के उठा हूँ तो मैंने कहा बाहर चलते हैं, बाहर का आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार। सो गाइज गुड मॉर्निंग से कुछ व्यू बाहर का मैं आपको अब दिखाता हूँ, बाहर आ चुका हूँ। तो ये कुछ व्यू है हमारी बोट हाउस से बाहर का, जिस बंदे की ये बोट हाउस है उसी की ये और उसी की वो है, तीनों बोट हाउस आपस में कनेक्ट है, मतलब कि यहाँ से जाते हो वहाँ से एंड वहाँ से उधर जा सकते हो, ठीक है व्यू। एक्चुअली क्या हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, किनारे के पास ही अभी बोट हाउस। तो चलते हैं वापस रूम में, अभी पैकिंग वैकिंग करनी है क्योंकि आज निकलना है, ऑलरेडी 7:45 हो चुके हैं तो 9 बजे के आसपास निकलना, जाके नहा धोकर रेडी भी होना पड़ेगा। एंड ये सामने शॉप है तो यहाँ पे आसपास के लोग जो मतलब कि यहीं पे रहते हैं इनके लिए ये वाली बोट रखी होती है इन्होंने खुद के लिए, एंड वो यहाँ से सामान लेने आते हैं, जैसे लेडीज़ भी आती हैं बोट चला के, जेंट्स भी आते हैं यहाँ से सामान लेके जैसे लेने के लिए जैसे वो उधर से आ रहे हैं। तो गाइज अभी तो थोड़ा थका हुआ हूँ तो अंदर चलता हूँ मैं आपको रेडी होकर, उसके बाद जाने के टाइम यहाँ से मिलता हूँ। तो चलता हूँ मैं अंदर फ्रेश होता हूँ, फिर नहाकर रेडी होकर जाने के टाइम आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी रेडी हो चुके हैं और जाने लगे हैं अपनी शिप की तरफ और अपने शिकारा की तरफ, और मैंने सॉक्स हाथ में पकड़ रखी हैं बिकॉज शूज बाहर उतारे थे हमने यहाँ पे, कहाँ पे आए नहीं। तो गाइस अभी चलते हैं दूसरे बोट हाउस में, ये वाला बोट हाउस हमारा था और ये यहाँ से रास्ता बन रखा है, देखो पूरा कैसे कैसे हिल रहा है। एंड ये आ गया अभी दूसरा बोट हाउस। अरे भाई साहब शूज बाहर उतार दूँ, तो वो यहाँ से एंट्री है दूसरे हाउस की। एंड एंटर करते सारे यहाँ पे भी एक बड़ा सा हॉल है, ये दूसरा बोट हाउस है, यहाँ पे अंगीठी लगी है गरम, जो जैसे अपने हीटर लगे होते हैं वैसे यहाँ पे अंगीठी लगी है, अभी तो बंद पड़ी है। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डाइनिंग हॉल जहाँ पे लोगों ने ब्रेकफास्ट करा हुआ है, एंड यहाँ पे फ्रिज लगी है, थोड़े बहुत सामान पड़ा हुआ है। इधर वाली साइड ऊपर छत पे जाने का रास्ता है, छत पे कुछ नहीं है बस रास्ता ही है, इधर इनकी किचन है। एंड उसके बाद ये आ जाता है एक बेडरूम, एंड इसके साथ ही वॉशरूम जिसमें बाथटब लगा हुआ है। बाकी आगे तक भी सेम ही है, इधर बेडरूम है इसका वॉशरूम उधर होगा। एंड उसके बाद एक ये बेडरूम है इसका वॉशरूम इधर है। एंड उसके बाद ये लास्ट बेडरूम है जिसके साथ ये वॉशरूम इधर वाली साइड है जिसमें बाथटब हर एक वॉशरूम में लगा हुआ है। तो अच्छा है लाइटिंग वाइटिंग दिख रही, तो इधर वाली साइड बाहर का नज़ारा देखो आप। अब चलते हैं बाहर, ये भी सेम बोट हाउस उसी जैसा, बस इसमें एक अंगीठी वाला रूम अलग अच्छा लगा हुआ है, उतना लंबा ही बोट ही उतना लंबा ही है। एंड इसके साथ एक इधर एक और है बोट हाउस, उधर वाले में देख के था जाके, अगर जा पाते हैं तो उधर भी चलेंगे अगर वो खाली हो। तो यार जूता पहन लिया इस वाले से, अब वो वाले साइड वाले में चलते हैं यहाँ से इसकी। नहीं जी अभी
तो यहाँ पे इनका ही पीछे घर है। एंड इधर वाली साइड दूसरा बोट हाउस आ जाता है, तीसरा। फर्स्ट वाला हमारा था, सेकंड वाला भी आपको दिखा, और ये थर्ड बोट हाउस। और यहाँ पे शुरू उतारता है प्रॉब्लम। एंड बाहर का कुछ व्यू ऐसा, सामने पहाड़ है, बर्फ मोस्टली पिघल गई है, बर्फ बहुत कम है, बट पानी में गंदा देखो कितना हो रखा है। तो अब चलते हैं ये वाले बोट हाउस में। यहाँ पे एंटर करते सारी टीवी लगे, यहाँ पे सोफाज पड़े हैं, एक छोटा सा झूमर है बीच में, ये ऊपर सीढ़ी है बट ऊपर कुछ नहीं है, खाली। एंड उसके बाद ये दो रूम है यहाँ पे, एक वो वाला तो बंद पड़ा था, ये उससे थोड़ा लो क्वालिटी का लग रहा है जो जिसमें हम रुके हैं, बहुत गंदा सा हो रखा है। इसके साथ ही वॉशरूम विद बाथटब, ठीक है, मतलब कि ऑलमोस्ट सब सेम है, थोड़ा बहुत वो होता है ना, थीम चेंज करा हुआ, डिज़ाइन हल्का सा चेंज है, बाकी सब बिल्कुल सेम है। इसमें दो रूम है, साथ वाले में 5 रूम है और हमारे वाले में 4 रूम है, बस ये फ़र्क है। तो अभी हमारी शिकारा आ रही है, आएगी शिकारा, दिन उस पर बैठ के जाएंगे सामान रख के गाड़ी में, उसके बाद फिर अब सीधा जम्मू के लिए निकलेंगे, बिकॉज रात की हमारी 11 बजे की ट्रेन है। रास्ते में एक दो जगह रुकेंगे चाय वाय खाना पीना के लिए। एक तो श्रीनगर की एंट्री में है जो गाड़ी वाले हैं, उनका कुछ रिलेटिव है वहाँ पे रुकेंगे वो बोल रहे थे। एंड जो मेरे भाई हैं उनको भी थोड़ा बहुत सामान लेना, जैसे कि अखरोट वगैरह यहाँ पे ही सस्ते पड़ते हैं ना, तो अच्छी क्वालिटी के भी मिल जाते हैं, तो वो भी यहाँ से लेंगे। देन उसके बाद जम्मू रेलवे स्टेशन, देन जम्मू रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन आएगी रात को 11:10 या 5 पे, देन ट्रेन से सुबह 5-6 बजे फिरोजपुर घर पे अपने। तो इस ब्लॉग में मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा कि फालतू का खर्चा बहुत होता है यहाँ पे, जो हमने इतने दिन से एक्सपीरियंस किया उसमें जो हमारा फालतू का खर्चा हुआ उसके बारे में बताऊंगा, उसको कैसे बचाओ, क्या करना चाहिए क्या नहीं, जो हमने खर्चे फालतू के करे हैं कि आप अगली बार आओ तो आप मत करना। एंड अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो भाई अपने लोग दोस्तों को भी शेयर करना। ये लोकल लोग की शिकारा होती है किस्ती, और वो शिकारा होती है यहाँ पे टूरिस्ट के लिए। तो ये जो लोकल लोग पानी में घर रहते हैं, नियर अबाउट 2 लाख लोग बोला उन्होंने, पहले मेरे को 50,000 बोला था, बट 2 लाख लोग हैं जो यहाँ पे शिकारा में रहते, मतलब कि बोट हाउसेज में रहते हैं जो खुद का जिनका। तो गाइस यहाँ हमारी शिकारा आ चुकी है, सामान पूरा रख देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम बैठ चुके हैं हमारी शिकारा में, और ये पड़ा हमारा सारा सामान। गड्डी लगे अंदर सीधा बोट हाउस थी हमारी। एंड उसके बाद मैंने आपको वो दिखाया जिसमें एक कमरा ज्यादा था, देन उसके बाद पीछे वाली साइड। तो यार अप्रैल में कह रहे हैं यहाँ पे सीजन बढ़ जाता है तो रश ज्यादा हो जाता है, उसके कारण रूम के रेट बढ़ जाते हैं। अभी 1,000-1,200 चल रहा है, देन 1,500 के आसपास चला जाता है, जो आगे इससे भी अच्छे वाले बोट हाउस उनका 2,000-2,500 तक चला जाता है। एंड हमें जाना उस कॉर्नर पे, वहाँ पे हमारी गाड़ी लगी है, देन गाड़ी में सामान रख के अखरोट लेने पा याद ना पापा रात ही फोन है। ये थी हमारी शिकारा और वो उधर था हमारा बोट हाउस। यार यहाँ पे ना पैसा लेने के बाद भी टिप बहुत मांगते हैं कि टिप चाहिए, पहले ले लेंगे ठीक है, शिकारा का ले लिया उसका टिप मांगा, फिर हाउस बोट कर रहा उसका टिप मांगा। अब हम कहाँ जा रहे हैं घूमने? अभी सीधा जम्मू और एक सुखना वैली। सुखना वैली इधर कोई वैली नहीं है, सुखना आया सुखना वैली, गूगल पे सर्च कर लो। गाइस आज जाना है जम्मू वापस और टाइम हो चुका है 1 बज गया दोपहर का, और सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, एक बस कश्मीरी कावा पिया था, और अभी गाड़ी यहाँ पे रुकी है, वो वाला है विष्णु ढाबा जिस पर भी हम खाना खाने जा रहे हैं। चलते हैं खाना खाने।
सो गाइस यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है। यहाँ पे हमने रोटी के साथ पढ़ाई पनीर, नहीं कढ़ाई पनीर लिया है। तो गाइस हमने ये कश्मीरी कावा पिया था, मैंने इसकी फोटो क्लिक करी थी। सो गाइस हमने खाना खा लिया और अभी हम यहाँ से निकले हैं। टाइम हो चुका है 2:15 के आसपास। एंड टूर एंड ट्रेवल वालों ने जो हमारा ट्रिप बनाया था उसमें हमारा वापसी के टाइम पे ना एक वैली थी, तो वो पेपर पे लिखी हुई है। तो अभी हमने खोल के देखा था, तो हमने भैया से बोला तो भैया कहते हैं, पहले तो बोलते कि ऐसी कोई वैली आएगी नहीं रास्ते में। तो अब जब हम क्रॉस करके आ चुके हैं, हमने रास्ते में अखरोट वगैरह लिया था, तो मैंने वहाँ का शूट नहीं करा था बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। तो अब भैया बोल रहे कि वही वैली थी, बट वो किसी भी टाइप से उधर वो लग नहीं रहा था कि भाई वो एक कुछ प्लेस है ऐसे घूमने वाला। पता नहीं, जाके अब घर पे इसके बारे में सर्च करेंगे गूगल पे। हेलो गाइस, बस अब टाइम हो चुका है 4:30। एंड क्या है कि मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा बिकॉज ट्रैवल के ब्लॉग था ये सारा, तो मैंने सोचा क्या ही शूट करूँगा। इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊँगा आपको, इन्फॉर्मेटिव जो जो हमने पिछले ये जम्मू एंड कश्मीर सीरीज में किया वो सब कुछ। एंड बाकी अभी हम जा रहे हैं भाई साहब के घर पे, एंड थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट करते हैं, देन उसके बाद चलेंगे अपना जम्मू कश्मीर के रेलवे स्टेशन पे। एंड वहाँ से अपनी ट्रेन 11:20 पे है, तो 7:30 के आसपास जम्मू कश्मीर के रेलवे स्टेशन पे अपन पहुँच जाएंगे। टाइम हो चुका है 7:15 और अभी हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन। बैग हमने क्लॉक रूम में जमा करवा दिया। एक्चुअली जो रेलवे स्टेशन के अंदर क्लॉक रूम है वो 9 बजे बंद हो जाता है, एंड हमारी ट्रेन 11:30 के आसपास है, तो हम यहाँ पे 7 बजे आ गए थे, 6:30। तो पीछे वॉशरूम है, अभी जो भैया हैं वो वॉशरूम गए हैं, देन उसके बाद आते हैं थोड़ा बहुत बाहर घूमेंगे, देन क्लॉक रूम से बैग लेके अपना ट्रेन में चले जाएंगे। जहाँ पे हमने क्लॉक रूम लिया उसका चार्ज है 100 रुपीज़। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के बाहर, यहाँ पे कोई शॉपिंग सेंटर के नाम की चीज़ है, तो देखते हैं उधर चलते हैं। अभी सामने है ये कुछ शॉपिंग सेंटर, उधर थोड़ा बहुत धक्के वक्के खा के आते हैं। बहुत टाइम है अपने पास, टाइम हो चुका है 7:35 और 11:20 की ट्रेन है अपनी, तो बहुत टाइम है भाई साहब बहुत। मार्केट से बाहर आए, कुछ ज़्यादा खास नहीं था वहाँ पे, टाइम स्पेंड करना बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ पे, है ना। तो गाइस अभी हमने टिक्की खाई थी और अच्छी थी वो, बट फिर भूख मिटती नहीं उससे, तो इसलिए हमने अब डोसा खाने लगे हैं। 2 डोसा मंगवाया है रेलवे स्टेशन के बाहर, ये थोड़ा सा ढाबा है एक, तो यहाँ पे डोसा खाने लगे हैं। ये कुछ सामान लिए, एक तो कज़न के लिए चेन लिया हाथ पे बांधने के लिए, बाकी भैया ने अपना थोड़ा बहुत सामान लिया, तो हमने कहा चलो मार्केट एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत घूम फिर के आगे। अब ट्रेन में बैठने वक्त मैं करूँगा कॉन्टैक्ट, क्योंकि बैटरी रहेगी सिर्फ 11% GoPro की, जितना शूट हुआ अभी कर लूँगा, नहीं तो फिर ट्रेन में बैठ के, क्योंकि अभी बैग जमा करवा रखी हूँ उसी में मेरा बैटरी पड़ा है, तो अभी जितना शूट होता है मैं कर लेता हूँ, बाकी उसके बाद मैं ट्रेन में करूँगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं डोसा खाने के बाद। सो हेलो गाइस, टाइम हो चुका है 10:50 और हमारी ट्रेन का टाइम था 11:10 का। तो जैसे कि ये जम्मू स्टेशन है, इसके सामने ही है यहाँ पे जहाँ पे हमने बैग जमा करवाया, तो अभी पहले जाके बैग निकालते हैं, देन उसके बाद चलते हैं ट्रेन में। एंड ये भाई, तो उसके बाद चलते हैं ट्रेन में, सबसे पहले बैग निकालते हैं। मैंने कैमरा ऑन ही नहीं करा बिकॉज इसकी बैटरी सिर्फ 10% थी, सो दैट्स व्हाई। तो अभी बैटरी कैमरे में से चेंज करता हूँ मैं, ठीक है। सो गाइस बैग ले आए हैं, मेरे तो बस 2 ही बैग हैं, ये विशु भैया के 2 बैग और 2 लिफाफे हैं सर। अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, यार गलत टाइम पे करा यार इन्होंने ना, ये भी मैं आपको कल बताऊंगा। वो चाहता तो आज हमारे के थोड़ा सारा टाइम और घुमा सकता था, जिससे कि हमारा ये फालतू का टाइम जो यहाँ पे बैठ के वेस्ट हुआ ना हुआ होता, क्योंकि हमने उनको ऑलरेडी बताया था हमारी इतनी बजी ट्रेन है, तो उनको ना चाहिए था कि हमें नियर अबाउट 9 बजे के आसपास छोड़ने का, पर वो तो 6:30 बजे छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से हम अब यहाँ पे घूमते फिरते भटकते रहे। बाकी चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर, अब अंदर जाकर डायरेक्ट मिलता हूँ। सो गाइस ये हमारी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म पे और हमारा है बॉक्स नंबर B3, एंड आला अपना। तो गाइस ये B3 है, आला जल्दी से चलते हैं और बैठते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो जितना जल्दी होता है B3 आके बैठते हैं
एंड थकान भी हो चुकी है यार अब तो थोड़ी बहुत, तो चलते हैं फटाफट ट्रेन के अंदर। सो गाइस अभी ज़्यादा कुछ है नहीं वीडियो में दिखाने के लिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी है। सो इस वीडियो को हम करते हैं पेंट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को ऑन कर दो। एंड जो हमारे इस टूर का एक्सपीरियंस रहा पहले मैंने सोचा था इसी व्लॉग में दिखाऊंगा, बट वो अभी आपको दिखेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जो हमने 6 दिन का टूर निकाला ये कैसा रहा, क्या बैड एक्सपीरियंस था, क्या गुड एक्सपीरियंस था, बाकी सब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।